देखिए, इंसान अपनी हर चीज में आजाद नहीं है। एक लिमिटेड आजादी सिर्फ इंसान को दी इरादे की। इरादा करे और कोशिश करे अमल करने की, बस। नतीजे को अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है इस दुनिया में। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वो निकले जो इरादा और कोशिश करके आपने किया था। आपका जो हिसाब होगा वो इसी बुनियाद पर होगा कि क्या इरादा किया इसमें आजाद है और उसकी कोशिश की यानी कि कोशिश में आजाद। छत पर, खुली छत के ऊपर तीन लोग हैं। एक शख्स ने दूसरे को गोली मारी, फायर किया। एक दूसरा था, बचाने के लिए भागा और जल्दी से उसे लाइन ऑफ फायर में से हटाया, धक्का दिया, इसके गोली नहीं लगे। एक ही कारतूस था, वो मिसफायर होने जा रहा था, मिसफायर हो गया। इसके धक्का देने से वो छत के नीचे गिर गया और मर गया। इसने तो मारना चाहा था, अगर वो बीच में नहीं आता तो नहीं मरता वो, तो मिसफायर होने जा रहा था। इसने बचाना चाहा था और बचाने के लिए लाइन ऑफ फायर थे, उसे हटाया, धक्का दिया, बेचारा गिरा, मर गया। बचाने वाले की वजह, नहीं बचाता तो नहीं मरता, कत्ल किस पर आएगा? अगर वो नहीं धक्का देता तो वो नहीं मरता, मारने वाले की वजह से भी नहीं मरता, कत्ल किस पर आएगा? नतीजे में आजाद नहीं है। आपकी नियत और आपकी कोशिश नतीजे में आजाद नहीं है। जिसने मारना चाहा वो अगर ये दरमियान में नहीं आता तो वो नहीं मार सकता था, वो था रिजल्ट। वो अपनी कोशिश उसने कर डाली थी कि मैं मार दूंगा, और जिसने बचाना चाहा उसने कोशिश पूरी कर डाली थी, इरादा किया, कोशिश पूरी कर डाली थी कि मैं बचा लूं, लेकिन मर गया वो। नतीजे में आजाद नहीं थे, लेकिन अल्लाह के यहां इसके नाम बचाना लिखा जाएगा, उसके नाम मारना लिखा जाएगा। नियतों पे फैसले होंगे। ये मतलब उस हदीस का, अल्लाह मालूम बिन नियत। इरादे जो है तुम्हारे और उसके मुताबिक जो कोशिश करते हो, अमल तुम्हारा वो लिखा जाएगा। उस धक्का देने वाले की जो नियत थी वो लिखा जाएगा। अमल तो ये रिजल्ट तो ये हुआ कि मर गया वो। उसने कोशिश बचाने की इरादा भी किया था और नियत की थी और कोशिश की थी, बस यहाँ कोशिश तक है इंसान, इसके आगे आजाद नहीं। अमल को अल्लाह ने, रिजल्ट को अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। नियत और बहुत से फैक्टर होते हैं दुनिया के अंदर, बहुत चीजें होती हैं दुनिया के अंदर जो आपके इख्तियार में नहीं होती। कितना आपका इख्तियार है उतना वैसे करिए जैसे अल्लाह ने रहनुमाई की, उसमें आजादी दी गई। उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा वो अल्लाह के हाथ में। इसलिए कि बहुत सी वो चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जो दूसरों की तरफ से हो रही है। आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन दूसरे कर रहे हैं साजिश, आपके इल्म में भी नहीं था। रिजल्ट यहां क्या निकलेगा ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। मैं तकदीर के मसले में जरा भी दिक्कत नहीं होती, जरा भी दिक्कत नहीं होती जब ये समझ में आ जाता कि इरादे में इंसान आजाद है। किसी ने, बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, पेट भरा हुआ है किसी का, उसके बाद बहुत अच्छी चीजें सामने आई ऐसे जिसका बड़ा दिल चाहा, बड़ी ख्वाहिश हुई उसे खाने की, तमन्ना बहुत है खा ले। अब अगर पूरा भरा हुआ है तो इल्म ये कहता है, यह इल्म और यह है हिदायत, रहनुमाई। हिदायत ये कहती है कि और खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, रुक जाओ, इंतजार करो, सब्र करो, बाद को खा लेना। जब कुछ खाना हजम हो जाएगा तो तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हारे जिस्म को लगेगा और सेहत भी बनेगी। ये कहता है इल्म, और इल्म के बाद फिर ये हिदायत ये कहती है सही रास्ता। लेकिन नफ्स उकसाता है कि नहीं खाएंगे और उसी वक्त खा लिया। यहां तक तो आजाद था, फैसला करने तक हिदायत थी, मालूम था गलत रास्ता क्या है, ये मालूम था कि नुकसान हो सकता है, ये उसकी चॉइस थी कि करे, कर लिया। जिसने सब्र किया, रुका रहा, उसको अच्छा नतीजा मिलेगा, उसकी सेहत भी बनेगी और बात को लजीज भी महसूस होगा। जिसने जल्दी की, हिदायत के खिलाफ रास्ता इख्तियार किया, अब रिजल्ट में आजाद नहीं है। अगर नेक आदमी हो उसका पेट खराब नहीं है, ऐसा नहीं होगा, नेक है तब भी खराब होगा, बुरा है तब भी खराब होगा। ये रिजल्ट उसका ये है, नतीजा उसका ये है। नतीजा अपने हाथ में नहीं था कि रोक ले, वो नतीजा उसका निकल कर आना है। ये अल्लाह की तकदीर, यानी तकदीर क्या हुई,
जिसे आप लिखा होना कहते हैं वो ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ये खाएगा तो इसको ये तकलीफ में पड़ेगा, सेहत खराब होगी, अगर जरा रुक कर खाएगा तो इसको लजीज भी लगेगा और इसकी सेहत भी अच्छी होगी। ये थी तकदीर अगर के साथ में। तकदीर ये नहीं थी कि ये नहीं खाएगा या खा लेगा, इस जगह पर आजादी थी। तकदीर ये थी कि अगर ये खाएगा तो ऐसा होगा, अगर ये नहीं खाएगा तो ऐसा होगा, तो नतीजा ये निकलेगा। तो आपकी जितनी तकदीर है वो सारी की सारी इस अगर के साथ, इफ एंड बट के साथ। इसका नाम हमारे यहां लिया जाता है अहले इल्म के यहां, इसका नाम, इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। तकदीर वो जो मुअल्लक लटकी हुई है, जो अगर के साथ है, अगर ये करेगा तो ये होगा। असल में सारी तकदीर ऐसी कि इंसान कुछ करेगा, अल्लाह की तरफ से बड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो तय है, अगर ये होगा, अगर ये होगा तो नतीजा निकलेगा, अगर ये होगा तो नतीजा निकलेगा, अगर ये होगा तो नतीजा निकलेगा, वो सब अगर के साथ में, जिसमें हर इंसान अपने इरादे इख्तियार में आजाद, नतीजे में आजाद नहीं, नतीजे के तौर पर। एक शख्स आग में हाथ डालना चाहता है कि मैंने कभी देखा नहीं, जलने का तजुर्बा नहीं, जलन क्या होती। दूसरा उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है, क्या करते हो, बड़ी जबरदस्त तकलीफ है, नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है, कई दिन तक तड़पोगे। वो कहे नहीं, मैं तो देखूंगा। लोग उसका हाथ रोकते रहे, उसने जबरदस्ती हाथ में हाथ डाला। अब ये कानून है अल्लाह का, रिजल्ट में आजाद नहीं है कि चाहता तो, वो चाहता तो नहीं जलता, वो तो जलेगा, वो तो कानून के मुताबिक निकला, जल गया। जलने के बाद कहा जाता है कि माना नहीं, देखा अल्लाह ने हाथ जला दिया, अल्लाह ने नहीं जलाया, अल्लाह के कानून के मुताबिक उसे जलना ही था, इसलिए उसे अल्लाह की तरफ रेफर करते हैं। हमारी बोली में भी बोला जाता है ये कि अल्लाह ने जला दिया, इसलिए कि उसे अल्लाह के कानून के मुताबिक जलना ही था, उसे खुद जलाया है, वो अपने अमल में आजाद था, चाहता तो रुक जाता। ये हिदायत थी कि दूसरे कह रहे थे कि मत रुक जाओ, उसने हिदायत के खिलाफ किया काम, रहनुमाई के खिलाफ किया, इसलिए नुकसान उठा गया। अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह के कानून के मुताबिक अब ऐसा ही होना था, उस अमल में वो आजाद था, चूंकि वो अल्लाह के कानून के मुताबिक होता है, इसलिए हमारी बोली में भी कहा जाता है, बात खाली कुरान की नहीं है, हमारी बोली में भी कहा जाता है कि अल्लाह ने कर दिया, यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक अब ऐसा हो गया, इसलिए उसे अल्लाह की तरफ रेफर करते हैं। और चूंकि हमारी बोली में बोला जाता है, इसलिए इस तरह की बोली जो है वो अल्लाह के कलाम में भी आई, इसलिए कि अल्लाह का कलाम इंसानों की जबान में नाज़िल हुआ, इंसानों के मुहावरे हैं उसके अंदर, लेकिन आपको उसे समझने की जरूरत है। इंसान की बोली के मुहावरे उसके अंदर मौजूद हैं, आप कैसे बोलते हो, ये चीज कैसे इस्तेमाल करते हो, आपको मालूम है, उसके खिलाफ क्यों माने लेते हो। जिस जगह ये आए कि अल्लाह ने कर दिया, वहां तर्जुमा कर लिए कि अल्लाह के कानून के मुताबिक ऐसा हो गया, बात क्लियर हो जाएगी। नहीं, तर्जुमा कर लिए का मतलब उसको उसका मफहूम ये समझ लीजिए, अल्लाह ने कर दिया, इसलिए कि अल्लाह का हर काम कानून के मुताबिक होता है, ये भी कलाम में है अल्लाह के। वलन तजीद अली सुन्नत अल्लाही तब्दीला, अल्लाह के कानून में तुम्हें तब्दीली नहीं मिलेगी, जो कानून उसने बनाया हुआ है सब कानून के मुताबिक होगा, जो चीजें रखी है। तो फिर अब अल्लाह ने जो कुछ यहाँ किया उसके वो उस कानून के मुताबिक नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, रिजल्ट निकल सकता है अल्लाह चाहे तो नहीं निकलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया है अपने कलाम में। वो अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं होती, वमन अस्दकु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह ने बता दिया आपको तो उसके खिलाफ नहीं होगा जो हमने कानून यहाँ पर रख दिया है। तो फिर अब जहां पे भी ये कहा जाए कि अल्लाह ने किया, कि मतलब ये कि अल्लाह के कानून के मुताबिक हुआ ऐसा। وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا